हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वो DU के एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिसका डेट जो है बढ़ा दिया गया है। तो जो भी छात्र अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया था, तो नए डेट के हिसाब से वो जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों एग्जामिनेशन वेबसाइट पे जब आएंगे, जो कि exam.du.ac.in है, इस पे आके जो है नोटिफिकेशन पे आपको जो है क्लिक करना है, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द स्टूडेंट फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर एट सेमेस्टर UG एंड PG प्रोफेशनल कोर्सेज अलॉन्ग विद द एसेंशियल रिपीटर्स इम्प्रूवमेंट EX स्टूडेंट फॉर द सेशन मई जून। यानी कि जो छात्र मई जून में एग्ज़ाम देने वाले थे, ये उन्हीं के लिए जो है, तो वो जो है नए डेट के हिसाब से जो है अब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। और इसकी नई डेट जो है क्या है, यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पे जो है जब आप PDF ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द स्टूडेंट द सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी कि ये जो है फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर एट सेमेस्टर UG और PG के लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो डेट था उसको जो है बढ़ा दिया गया है, और अब जो है आप 7 मई तक जो है ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी छात्र अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वो जल्द से जल्द जो है भर ले, ताकि आपको बाद में जो है दिक्कत ना हो पाए। बाकी और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।